नमस्कार, लूप में आपका स्वागत है। लूप किसानों का साथी है और किसानों को मंडी से जोड़ता है। ये लूप ऐप का मुख्य पेज है। सब्जी की बिक्री की एंट्री भरने के लिए पहली प्रक्रिया पर छुएं। सबसे ऊपर आज का दिनांक, उसके नीचे कल का दिनांक और सबसे नीचे परसों का दिनांक लिखा है। यह दिनांक प्रतिदिन बदलेंगे। अगर बिक्री आज हुई है तो आज का दिनांक चुनें। प्लस या जोड़ के गोलाकार निशान को छूकर हम एक एक करके सब्जी की बिक्री की एंट्री करेंगे। नीचे दाएं कोने में जोड़ के निशान वाला बटन छुएं। जिस मंडी में बिक्री हुई उसका नाम लिस्ट से चुनें। जिस गद्दीदार को किसान की सब्जी बेची उस गद्दीदार का नाम लिस्ट से खोजकर या मोबाइल पर टाइप करके लिखें। इसके नीचे जिस किसान की फसल की बिक्री हुई है उसका नाम लिस्ट से खोजकर या मोबाइल पर टाइप करके लिखें। जो सब्जी आज बेची उसको चुनें, मात्रा किलो में लिखें और रेट रुपए में भरें। इस हिसाब को एक बार रजिस्टर से मिलाकर जांच लें। हम इस सब्जी की एंट्री को सेव करेंगे दाईं तरफ दिए छोटे सही के निशान को छूकर। इस सब्जी की भरी गई जानकारी आ गई है। अगर इस किसान की किसी और सब्जी की बिक्री की एंट्री करनी है तो इसी प्रकार सब्जी का नाम चुनकर भरें। क्योंकि सब्जी का हिसाब हम एक एक करके भरेंगे, सारे हिसाब को मोबाइल में सेव करने से पहले हम इस सब्जी की एंट्री को सेव करेंगे। इस किसान की सब्जियों की एंट्री अगर हो गई है तो नीचे दिए बड़े सही के बटन को छूकर लूप ऐप द्वारा मोबाइल में जोड़ लें। बिक्री की एक एक सब्जी की रसीद की एंट्री करने के बाद हम देख सकते हैं किसान के नाम को छूने पर हर सब्जी की रेट और उसकी मात्रा दिखेगी। हम देख सकते हैं कि किस मंडी में किस किसान भाई या बहन की कौन कौन सी सब्जियां किस गद्दीदार को बिकी। अगर बिक्री की जानकारी जैसे सब्जी, रेट या मात्रा बदलनी हो तो पेंसिल के बटन को छूकर बदल सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, लूप ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो आइए अगली वीडियो में हम गाड़ी के आने जाने के खर्चे की एंट्री करना सीखते हैं। धन्यवाद।